तो देखो, किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स रहते हैं, एंड अराउंड एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन्स रहते हैं, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स रहते हैं, उसमें से एक को बाउमन कैप्सूल बोलते हैं और दूसरे को रेनल टिब्यूल बोला जाता है। अब व्हाट इज दिस बाउमन कैप्सूल? बाउमन कैप्सूल का मीनिंग क्या है? तो इट हैज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है जिसको ग्लोमेरुलस ऐसे बोला जाता है, विच टुगेदर फॉर्म्स द मालफेजियन बॉडी, जो मालफेजियन बॉडी की फॉर्म में रहता है। अब ये जो ब्लड रहता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है थ्रू द अफ्रंट आर्टेरियोल एंड लीव्स थ्रू द इफरेंट आर्टेरियोल। वो जो ब्लड रहता है बाउमन कैप्सूल के अंदर आता है, वो अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आता है, और जब लीव करता है तो दैट इज थ्रू द इफरेंट आर्टेरियोल, और वो इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू वो लीव करवाता है। अब रेनल टिब्यूल किसे बोला जाता है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर रेनल टिब्यूल? रेनल टिब्यूल बोलो तो बाउमन कैप्सूल के बाद में का जो हिस्सा रहता है जिसको रेनल टिब्यूल बोला जाता है। अब ये रेनल टिब्यूल 3 पार्ट्स का रहता है, दैट वन इज कॉल्ड एज पीसीटी। पीसीटी इज नथिंग बट द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, उसका जो इनिशियल पोर्शन रहता है उसको पीसीटी बोला जाता है। फिर पीसीटी के बाद में लूप ऑफ हेनले नाम का जो पोर्शन आता है, वो लूप ऑफ हेनले के अंदर यू शेप्ड ट्यूब रहती है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऐसे दो लिम्स रहते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर, और लास्ट में नेफ्रॉन का जो पोर्शन रहता है, जैसे शुरू में प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल रहता है, वैसे लास्ट में देर इज द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लास्ट वाले पोर्शन को डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, कुछ ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब स्किन क्या कर देती है? एक्सक्रीट मेनली वाटर एंड सोडियम क्लोराइड इन स्वेट। वाटर को एक्सक्रीट करती है और सोडियम क्लोराइड को एक्सक्रीट करती है, एंड इवैपोरेशन ऑफ स्वेट रिक्वायर लैटेंट हीट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी फील्स कूल। अपना जो अपर ये जो रहता है सरफेस रहता है बॉडी का, वो कूल करने के लिए या कूल रखने के लिए जो प्रोसेस की जाती है जिसमें स्वेट रिमूव किया जाता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पर रेस्पिरेशन। उसको पर रेस्पिरेशन ऐसे बोला जाता है, पर एस्पायरेशन बोला जाता है। तो एक्सक्रीशन से ही रिलेटेड रहता है, अपने बॉडी में से वाटर को क्या कर देना, इलिमिनेट कर देना। ठीक है। अब लंग्स जो रहते हैं, दिज लंग्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीट ऑफ एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वो क्या रिस्पॉन्सिबल करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर उसको लंग्स एक्सक्रीट करवाते हैं। लीवर जो एक्सक्रीट करते हैं, दे एक्सक्रीट द एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्टेरॉल इन द बाइल। एक्सेस बाइल पिगमेंट और कोलेस्टेरॉल उसको क्या करवाते हैं, वो एक्सक्रीट करवाते हैं। तो ऐसे रेनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, अब देखो ये किडनी का स्ट्रक्चर है।
अब उसके बाद में यूरेटर नाम की किडनी के बाहर यहाँ से जो ट्यूब रहती है, ये देखो ये पेयर ऑफ किडनीज है और किडनी में से ये ट्यूब निकलते हैं, इनको यूरेटर बोला जाता है। दिस इज वन यूरेटर, इधर वाला एक यूरेटर है और इधर वाला एक यूरेटर है। तो यूरेटर क्या रहती है, तो दिस मस्कुलर ट्यूब इमर्ज आउट फ्रॉम द हाइलम ऑफ किडनी। वो मस्कुलर जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर रहता है वो किडनी में से बाहर निकलता है, एंड यूरिन एंटर द यूरेटर फ्रॉम द रेनल पेल्विस। यूरिन जो रहता है वो यूरेटर में से, यूरिन एंटर द यूरेटर फ्रॉम द रेनल पेल्विस। अब उसके बाद में यूरेटर के आगे जो प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, उसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है दैट इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है विच स्टोर्स यूरिन टेम्पररीली एंड इट इज एबसेंट इन बोर्ड्स, बोर्ड्स के अंदर ये एबसेंट रहता है, ये यूरिनरी ब्लैडर रहता है। देखो दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, ये पोर्शन को यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ये जो सैक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में से आगे जो कंटिन्यू हो जाती है बॉडी उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, उसको यूरेथ्रा बोला जाता है। अभी ये जो यूरेथ्रा जो रहता है दैट इज द मेम्ब्रेनस ट्यूब, ये मेम्ब्रेनस ट्यूब रहती है विच कंडक्ट द यूरिन टू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यानी अपने बॉडी के बाहर जो यूरिन इलिमिनेट करवाता है वो कौन रहता है, तो दैट इज ऑफ यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रल स्पिंक्टर कीप द यूरेथ्रा क्लोज्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग वाइडिंग ऑफ यूरिन। यूरिन जब बॉडी के बाहर एलिमिनेट नहीं किया जाता है तो वहां पर एक यूरेथ्रल स्पिंक्टर रहता है और वो जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर रहता है वो क्लोज हो जाता है, तब यूरिन बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। जब वो स्पिंक्टर ओपन किया जाता है तो उसमें से यूरेथ्रा बॉडी के बाहर, यूरिन बॉडी के बाहर क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। द एक्ट ऑफ वाइडिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज अ मैक्चुरेशन, उसको मैक्चुरेशन ऐसे बोला जाता है। तो किडनी के अंदर से यूरिन बॉडी के बाहर इलिमिनेट किया जाता है, द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मैक्चुरेशन, ये प्रोसेस को मैक्चुरेशन ऐसे बोला जाता है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो यूरिन सिक्रेट किया जाता है दैट इज 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में से 1 से 1.1 लीटर यूरिन बॉडी में से क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। अब यूरिन का जो येलो कलर रहता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम, एक यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट रहता है उसके वजह से यूरिन का कलर येलो रहता है। पीएच ऑफ यूरिन शुड बी 5.8, यूरिन का जो पीएच रहता है वो 5.8 रहता है। व्हेन वाटर इनटेक इज हाई, जब वाटर इनटेक हाई रहता है तो यूरिन जो रहती है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, उसको हाइपोटोनिक ऐसे बोला जाता है। एंड व्हेन देयर इज द लेस वाटर, बॉडी के अंदर जब वाटर कम रहता है तब यूरिन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक, उसको हाइपरटोनिक ऐसे बोला जाता है। तब ये ऐसे ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी में से यूरिन इलिमिनेट किया जाता है। तो ऐसी जो सिस्टम रहती है दैट कंसर्न विथ द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन बोले तो अपने बॉडी में से
यूरिन को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसेस रहती है या सिस्टम रहती है उसको बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बोला जाता है। तो दीज आर द पेयर ऑफ किडनीज, ये पेयर ऑफ किडनीज रहते हैं, ये पेयर ऑफ यूरेटर्स रहते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर रहता है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और ये सिंगल यूरेथ्रा रहता है। और दिस ये जो मेन ऑर्गन रहते हैं एक्सक्रीशन के अंदर टू फॉर्म द यूरिन, यूरिन फॉर्म करने के लिए जो मेन ऑर्गन है उनको क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ किडनीज बोला जाता है। ये किडनीज यूरिन फॉर्म करवाते हैं। और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये किडनी के ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, और जस्ट इनसाइड टू द रीनल कैप्सूल ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ये जो नंबर ऑफ पिरामिड लाइक जो बॉडीज दिखाई दे रहे, देखो ये ऐसे ये सभी पिरामिड लाइक बॉडी में लाके क्या बनता है दैट इज कॉल्ड एज मिडुला, उसको मिडुला ऐसे बोला जाता है। दैट इज नथिंग बट द कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रीनल पिरामिड्स। अब बहुत सारे रेनल पिरामिड का जो नैरो पोर्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैपिला, उसको पैपिला बोलते हैं। और ये जो पैपिला रहते हैं दिस पैपिला दे गेट ओपन इनटू एन कैविटी, एक कैविटी के अंदर वो ओपन हो जाते हैं एंड द नेम ऑफ दैट कैविटी इज कॉल्ड एज पेल्विस, उसको देखो पेल्विस नाम की कैविटी बोलते हैं। और ये पेल्विस में से बाहर जो निकलता है कंटिन्यू हो जाता है, ये देखो ये पोर्शन ये जो कंटिन्यू हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर, उसको यूरेटर बोला जाता है। यही यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट रहता है, यानी यहाँ जब यूरिन फॉर्म किया जाता है तो यूरिन यहाँ आती है, यहाँ में से वो यूरेटर में चली जाती है, और यूरेटर में से वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर में से वो यूरेथ्रा, ऐसे करके वो बॉडी के बाहर क्या की जाती है एलिमिनेट की जाती है या एक्सक्रीट की जाती है। और यहाँ पर देखो जो दो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहा है दैट वन इज कॉल्ड एज रेनल आर्टरी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज रेनल वेन। रेनल आर्टरी जो रहती है वो ब्लड अंदर लाने का काम करती है, किडनी के अंदर ब्लड लाने का काम करती है, और रेनल वेन जो रहती है वो ब्लड को बाहर ले जाने का काम करवाती है। तो ऐसे ये आर्टरीज और वेन्स क्या करते रहते हैं, एक किडनी को ब्लड सप्लाई करता है और दूसरा उसमें से वो रिमूव कर देता है। तो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हो गया जिसके अंदर पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ऐसे अलग अलग पार्ट्स रहते हैं कि जो बॉडी में से यूरिन को एलिमिनेट करवाते हैं। तो उससे रिलेटेड जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पोर्शन है उसके बारे में आज हमने कंप्लीट करवा दिए। बाकी का जो नेक्स्ट सिस्टम है बाकी का जो नेक्स्ट सिस्टम है जिसको हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर, बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लेते हैं। ओके। Try to rejoin again for the physics lecture. Try to rejoin again. I will open this session immediately for you all.